और गाइस यहाँ पे अब करेंगे हम घास घूस लगाएंगे क्योंकि जा रहे हैं हम घर। दीदी लोग तो नीचे जा रखे हैं, हमारे पास घास हो गया और धूप लग गई है, घर में नाश्ता नुश्ता बनाना है। और ये है देवरानी जी, घास लेके आ गए ऊपर और उनका फ़ोन भी आ गया है, पता नहीं किसका, देवर जी फोन है। और यहाँ पे ऐसा सारे कुमरे लग गए हैं, लोग आ चुके हैं यहाँ से। और ये है हमारी लोकेशन जहाँ हमने जाना है घास के लिए। और दीदी लोग सासू जी लोग आकर लगे हुए हैं और वहाँ आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं ममता स्वागत करती हूँ आपका एक नई वीडियो में। आई होप दोस्तों आप लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने काम होंगे। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल कमेंट करना, जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। और मैं पौड़ी जनपद के सुंदर से गाँव के सुंदर से और गाय सभी सुबह सुबह का टाइम मेरे बच्चे चले गए स्कूल। और मेरी वीडियो को जितना हो सके लाइक करना, शेयर करना, जिसे कमेंट करना, जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। और गाय यहाँ पर मैं बैठ के चूल्हे पे आग वाले चूल्हे पे और यहाँ पे आग सेक रही हूँ क्योंकि ना आजकल पानी चाहिए गर्म बर्तन वगैरह धोने के लिए। बर्तन ये रखे हैं बर्तन धोने के लिए, बस थोड़ा सा पानी ये है, इससे तो नहीं होगा। और फिलहाल यहाँ पे आग जलाने की कोशिश कर रही हूँ, आग इसलिए नहीं जल रही क्योंकि गीली लकड़ियाँ हो रखी हैं और इसके कारण आग नहीं जल रखी, आग बिल्कुल नहीं जल रही। वैसे कप सेफ तो रखे थे, लकड़ियाँ रखी थी सेफ, पर फिर भी आग नहीं जल रही है। और यहाँ पे बिल्कुल भी अभी कोई धूप का नामो निशान नहीं है, देखते कब तक आती है धूप और कब तक करते हैं कब से हम धूप को। पर बर्तन वगैरह धो देती हूँ, अगर कोई कहीं जाएगा घास तो क्योंकि मैं भी जाऊँगी नहीं तो घर का काम करूँगी। और मसाला ऐसा बन रखा है, चलो भी चलो खाऊंगा कि भैंस से बकरी ऐसे कर रखा ना, कल तो क्या फिलहाल बारिश आ गई थी। और फिलहाल मैं आग जलाती हूँ और फिर मिलती हूँ आपको बर्तन वगैरह धोने के बाद। हम आ चुके हैं यहाँ से और ये है हमारी लोकेशन जहाँ हमने जाना है घास के लिए। और दीदी लोग सासू जी लोग आके लगे हुए हैं और वहाँ बुआ लोग अलग ही चारों अलग हैं। अभी जा रहे हैं हम अपनी वहाँ पे जहाँ हमने जाना है और जाएंगे दोस्तों। यहाँ हमारा टुलकिंदेश्वर महादेव ऊपर है इधर की साइड, मस्त करके जाएंगे हम मार्के जंगल। और कितने 12 बजे काट दिया और यहाँ पे घास का ऐसे ढेर लगा रखा क्योंकि घास गीला हो रखा, सारे लोग कोई ऊपर है कोई नीचे है घास काट रहे हैं, सबके सब इतना बड़ा भयंकर घाम लग रखा है यहाँ पे, बहुत ही भयंकर। और प्यास से मर गए, अब आंवले आंवले में मिल गए हमको, कैसे रहते हैं लोग पता नहीं कैसे होते, कभी कभी मूड खराब होता है वीडियो भी बनाने का मन नहीं करता क्योंकि लोग ऐसी टॉन्टिंग बाजी करते हैं कि वीडियो बनाते हैं पता नहीं कैसे कैसे वीडियो बनाते हैं, समझ नहीं आता लोगों को यार कैसे लोग होते हैं पता नहीं। और यहाँ से एकदम मस्त वाला व्यू और यहाँ पे आ रही है देवरानी घास लेके। देखो गाइस देवरानी आज मर गई प्यार। करेंगे हम घास घूस लगाएंगे क्योंकि जा रहे हैं हम घर, दीदी लोग तो नीचे जा रखे हैं, हमारे पास घास हो गया है और धूप लग गई है, घर में नाश्ता नुश्ता बनाना है। और ये है देवरानी जी, घास लेके आ गई ऊपर और उनका फ़ोन भी आ गया है, पता नहीं किसका, देवर जी फोन है। और यहाँ पे ऐसा सारे कुमरे लग गए हैं, लोग पता नहीं कैसे कमेंट करते, लोग समझ नहीं आता लोगों की पता नहीं कैसे सोच है, गाँव वाले पता नहीं कैसे रहते हैं, ज़बरदस्ती क्या है ऐसे यहाँ पर गाय लोगों का। और यहाँ पर बहुत ही भयंकर धूप लगी हुई है, मस्त एकदम यहाँ से मस्त मस्त व्यू लगा दिया। ये मेरा घास है और ये देवरानी जी का है और सासू जी लोग यहाँ पे घास काटते हैं और ये अब चाह रहे हैं हम घास के लेके जाएंगे घर। और गाइस आप भी बने रहना, अरे आम वाला समय सुन देना भाई मुँह पे, ठीक है गाइस मिलूँगी आपको घर जाके। गाइस हमने खा लिया खाना पीना और दिन का खाना भी हो गया, घर कितने बनाया चावल और अभी बात बना दिए, अब आगे बच्चे स्कूल से ये हमारा ओम फो ओम क्या हो रहा क्या हो रहा फिर आज आज ओम फो हमारा बहुत ही सुंदर डॉग है। और चलो मैं मेरे बच्चे आ चुके हैं घर, मैं खाना पीना और बनाऊँगी। ये आ चुका है मेरा बड़ा वाला बेटा, आ गया
वीडियो को कंटिन्यू करती हूँ, जो मैं ब्लॉग बना रही हूँ उसको कंटिन्यू करती हूँ। हमारे खाना पीना बच्चे आ चुके हैं स्कूल से, अब हमने खाना पीना खा लिया और छोटी सी कोशिश है मेरी कि जो मतलब पहाड़ों में क्या होता है क्या नहीं होता है, कितने मतलब को तो बार हम काम करते हैं, गांव के जितनी भी औरतें होती हैं मतलब गांव में जितनी भी जगह गांव होते हैं, कितनी पहाड़ की लेडी से कितना वो करती है मतलब काम करती है घरों में रह के, और बच्चों को देखना गाय भैंस और अपने कल्चर को आगे बढ़ाने के लिए ही वीडियो बना रही हूँ। आप मेरा सपोर्ट बनाए रखना, एक पीछे चुगली ना करी करो गाइस। और कई लोग तो कहते हैं कि आज वीडियो बनाएंगे घास के लिए अलाना फलाना जो भी है, मैं सब काम करती हूँ गाइस, वीडियो बनाती हूँ। खैर मुझे सुनने को बहुत मिलता है, आपके लोगों को प्यार सपोर्ट जितनी हो सके मेरी वीडियो को शेयर करना और मेरे फेसबुक पेज पे और यूट्यूब पे भी, और बनाती हूँ वीडियो। थोड़ा कोशिश करूँ गाइस जो पहचान के औरतें घास काटने के लिए नहीं बनी है, तो घर का काम करने के लिए नहीं बनी है, थोड़ा अपना जो है कंटिन्यू रख सके, अपनी पहचान बना सके, इसमें छोटी सी कोशिश है मेरी गाइस। और कई लोग चुगली करते हैं, चुगली ना करें, मैं आपसे हाथ जोड़ के बोलती हूँ चुगली ना करें, क्योंकि मुझे वीडियो में बोलना अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि कई लोग चुगली करते हैं। मैं आप तो उन्होंने कुछ करना नहीं है, ऐसे गंदी वगैरह वीडियो तो बना नहीं रहे, हम अच्छे काम कर रहे हैं। कई लोग आदतें होती हैं चुगली करना, वो वीडियो बना रहे वीडियो बना रहे तुम्हारी बात करके जा रहे। मेरे पति मेरे को जब बोल रहा है कि मना ले वीडियो, तो तुम्हें क्या हो रहा है गाइस, मुझे समझ नहीं आता है, क्योंकि बहुत चुगली करते लोग बहुत ही बदतमीजी से पेश आते हैं, पाने क्या समझते हैं। और खैर मैं गाइस बोलना भी नहीं चाहती किसी के बारे में गलत गलत, कि बहुत लोगों की सोच बहुत गलत है और वो छोटी सोच छोटे ही रहेंगे, और उनको भगवान आकर भी आगे नहीं बढ़ाएगा। हम अच्छी सोच रखते हैं तो भगवान कभी ना कभी कैसे नहीं मिलेगी, सक्सेसफुल तो बन जाएगा, कभी ना कभी बन ही जाएंगे। जो मुकाम हासिल करने के लिए नहीं बनेगा कोई बात नहीं, अपने एंटरटेनमेंट करने के लिए, यादें संजोने के लिए वीडियो बनाती मैं, ये हुआ था कभी ये हुआ था देख लूँगी। ठीक है मैं इस पर मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। शाम का समय, बाहर बहुत हवा चल रही, बहुत खतरनाक वाली हवा चल रही है, साथ ही साथ मैं बनाने लगती हूँ रात का खाना। रात के खाने में बनाऊँगी प्याज टमाटर काटूँगी, कल मैंने बनाया नहीं, कल मैंने चिकन बनाया नहीं तो आज बनाऊँगी, आज भी देखूँगी बनाते हुए नहीं बनाते भी कोई सलाह नहीं। तो मैं काटूँगी प्याज टमाटर, क्योंकि मैंने अभी सब्ज़ी वगैरह बनानी है, अभी प्याज टमाटर काट देती हूँ। और यहाँ पे मेरी मैंने भैंस वगैरह बकरी वगैरह अंदर बांध दी, गोबर वगैरह साफ कर दिया, क्योंकि फिर मेरे को बिल्कुल आलस आता है गोबर वगैरह निकालने में। और साथ ही साथ यहाँ पर लाइट जला देती हूँ कमरे की, और एक प्लग भी पता नहीं क्यों फेल हो गया है। और गाइस मिलूँगी आपको थोड़ी देर बाद, ठीक है, सब्ज़ी सब्जी काटने के बाद। ठीक है गाइस, गुड मॉर्निंग गाइस, आपको मैंने कंटिन्यू रख पाई कल, और मैं आप लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे, अपने गाँव में व्यस्त होंगे। मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, जिसे कमेंट करना, जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं ममता रोज़ की तरह आपके लिए बनाती रहूँगी नई नई वीडियो। और गाइस मैं सुबह की देखो अंधेर और का बाहर सुबह के 6 बजे कंटिन्यू कर रही हूँ वीडियो को, क्योंकि मैं कल नहीं कर पाई, टाइम लगा मुझे और बनाने का मूड भी नहीं था। कभी कभी हो जाता है ना किसी की बातें सुन के, और गाइस यहाँ पे हल्का अंधेरा है, देखो सुबह सुबह का अंधेरा, और बाहर भी मैंने ऐसी ऐसी आग जला दी है क्योंकि मैं उठ चुकी थी, यहाँ पर मैंने दाल वगैरह भिगा दी, और अब क्योंकि बच्चों ने स्कूल जाना है तो इसलिए जल्दी उठना पड़ा। और यहाँ पे दोस्तों मैं आज की वीडियो इतना ही रखूँगी, मैं ममता मिलूँगी कल एक नई वीडियो में, तब तक जय देव भूमि जय उत्तराखंड, बाय गाइस, बाय।